चंद्रयान 3 आज उड़ान भरेगा, ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। दुनिया की निगाहें इस मिशन पर टिकी हुई हैं। इसरो चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से अमेरिका, चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसको लेकर भारतवासी काफी उत्साहित हैं। प्रत्यक्ष तौर पर इसे लॉन्च होते देखने के लिए पहुंचे लोगों का क्या कहना है, सुनिए। वी केम टू विटनेस दिस चंद्रयान 3 लॉन्च इवेंट, दिस हिस्टोरिक इवेंट। वी केम विद फैमिली एंड आई एम वर्किंग इन प्रिंस इंस्टीट्यूशन एंड 300 ऑफ माय कॉलेज स्टूडेंट्स वर कमिंग हियर एंड इट्स वी हैव रजिस्टर्ड ऑलरेडी एंड प्लान्ड हियर एंड वी प्रे टू गॉड टू बी द इवेंट टू बी सक्सेसफुल। दिस मोमेंट होप इट विल बी मेक ऑल अवर इंडियंस प्राउड। चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है तो हमने जिज्ञासा हुई कि हम वहाँ जाएं और देखें, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा मतलब दृश्य कभी देखा नहीं है, तो मन में थोड़ी मतलब क्यूरियोसिटी पैदा हुई, तो मैंने सीधा फैसला किया कि मैं वहाँ जाके जरूर देखूंगा। तो आज यहाँ पर आए हैं हम, तो मैंने यहाँ पूरा विजिट किया, पूरा घूमा, यहाँ पर मैंने सब कुछ देखा आज, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से, क्योंकि मैंने इसे अब आज लाइव देख पा रहा हूँ। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ इसरो को कि उसका हर मिशन सक्सेसफुल हो, ये हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है। वहीं इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन ने भी इस संबंध में बात की है। The success of this mission will give a morale boost for the people to do the other work, which otherwise also people are doing because they are independent. They are no way they are linked this one. So Gaganyaan program is going on its own way with a very strong way. Now for correcting that discrepancies what are happening in the Chandrayaan 2, for correcting that one we are not depending on any other country. And we understood what really happened, what went wrong. And the failure modes we could recreate under the ground. So after recreated the failure modes, then we strengthened with the modification. And with that modifications, that again it has gone through detailed testing analysis and found that everything's in order. So we are not depending on any other country to do this work. That we have done everything indigenously within ISRO. चंद्रयान 3 वर्ष 2019 के चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है। उस अभियान में जो लक्ष्य हासिल करने से भारत चूक गया था, उसे 23 अगस्त को चंद्रयान की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग से पूरा करने की तैयारी है।